मतलब ये वो वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मतलब जो छात्र अपने हितों के लिए जो हम लड़ते वाली लड़ाई वाली बात हो रही है। जैसा कि आप कैसे हैं आप सभी लोग, आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज को हेमा और हिमांशी के साथ, और जब से ना हम शादी से आए हैं तो उसके बाद हम मैं और हिमांशी मिले हैं, हेमा से भी मिलना है। आजकल कॉलेज में जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्योंकि 24 तारीख को वोटिंग है, और ये वोटिंग जो है ना लगभग 4 साल बाद या 3 साल बाद ऐसी ही हो रही। जब हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए थे तब हुई थी वोटिंग, और उसके बाद वोटिंग ही नहीं हुई क्योंकि कोरोना की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से। तो कल मुझे हिमांशी लोग का कॉल आया कि कॉलेज चलेंगे करके, तो मुझे भी अभी इधर उधर रहने की वजह से मुझे भी कॉलेज का कुछ पता नहीं है कि कॉलेज में क्या चल रहा है और कौन कौन मतलब इस बार उठे हैं वोटिंग में, इस सब के लिए, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ कुछ लोगों का तो मुझे पता है। तो चल के अब वहीं जाके मिलेंगे, हेमा लोगों से भी मिलूंगी और वो लोग मुझे मिलेंगे ऊपर। चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग पूरा कॉलेज के अराउंड ही घूमने वाला है, और आपको सब लोगों से मिलाएंगे जो जो उम्मीदवार हैं। अगर मैं सोच रही थी कि जिस दिन रैली होगी ना उस दिन जाऊंगी, लेकिन शायद रैली हो गई, अब तो कुछ पता भी नहीं लग रहा है कॉलेज के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। हमारा हिमा दीदी हमें मिल गई है, इसके बाद हमें हिमांशी दीदी मिलेगी ऊपर। और चढ़ाई में हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, कॉलेज का माहौल, इलेक्शन फिर तो सिक्स मंथ हमने बुकिंग। अंजू जा जल्दी जा प्रचार करने, जल्दी जा, भैया आगे तुम्हारे, जाओ अंजू, अंजलि करवा दो। यहाँ पे हम लोग हिमांशी का वेट कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आई हुई है, वो जल्दी आएगी तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे हो जाएंगे। अब आ गई है तू, क्या उसके पास इतनी नई नई कैपे कहाँ से आती है यार, एक से बढ़ के एक कैपे है इसके पास। दूर से हिमांशी चौहान सभी टी शर्ट पे लाल दिल देख, आ गए थे भी देखो, और मानसी जान को छोड़ना है कल यहाँ। बड़ा क्या माहौल हो रहा है, देखो कॉलेज का यही चीज देखने तो आए थे हम लोग। वाह, जो चीज हम देखना आए थे वही चीज मिल रही है हमें यहाँ। गोल्डन बॉयज वाली चिची मैं देखने नहीं आई, तू ही लेके आई हमको। मैंने कहा इस जगह कल बॉयज को चल रहे, मजा तो आता है पर इनको देखने में। मैं तो गाँव जा रही, इसलिए दो दिन में मजे करने आई हूँ, इसीलिए आई हूँ। हम दो जने यहाँ पार्लर की तरफ बैठे हैं और हम वीडियो बना रहे थे, हम ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं सब लोग, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है क्योंकि व्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा बेशरम तो बनना पड़ता है, और मैं थोड़ी बहुत हूँ और मैं नहीं हुआ बेशरम। मानसी को आ रही है शर्म, लेकिन ये मेरे साथ रह रहा है कि मैंने इसको भी अपने साथ बेशरम बना लिया। हेलो, मैं सोच ही रही थी यार आप, थैंक यू, आप आए, आपका थैंक यू यार, इतने बड़े लोग हमें याद कर रहे हैं भैया, बड़े लोग आए के बड़े लोग। तो कैसा चल रहा है, सारे प्रदेश में फेमस चल रही हैं ये गाने, हिट हो रहे हैं इनके, ठीक चैनल एक तरफा चल रहा है इनका, और इनके और बड़े हम, अच्छा ये भी सही है। नहीं यार, बताओ आप से ज्यादा फेमस है क्या, जब आपकी बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि हम कह रहे हैं यार चलो आप जरा कब से लगे हो आप अध्यक्ष के लिए, तो कुछ तो बोलोगे करके, तो मैं सोच थी यार मुझे बात करने करके। बताओ क्या बात है, किसे ऐसी करोगे वहाँ बैठू, कुछ बोलो, बैठ जाओ यहाँ पे, यहाँ से इधर से पूरा कैंपस आ रहा था ना, अभी लोगों में देखेंगे क्योंकि मुझे पूछना है बहुत सारी चीजें। तो मैं बताने के लिए सबसे पहले ये है कि मेरा नाम आशीष जोशी है, और मैं 8 साल से इस कैंपस में हूँ, हमने बिना किसी पद पर रहे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने बिना किसी पद पर रहे इस कैंपस की 80% से ज्यादा चीजें ठीक करी है। जो भी मुद्दा हमने उठाया उसमें पूरा काम किया है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं कि जो छूट गए, क्योंकि कई चीजें पद पर रह के ही हो पाती हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि छात्र हितों के लिए काम किया है और बहुत काम किया है। अगर ऐसे अगर छात्र समुदाय सोच समझ कर अगर वोट देगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हम ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैंने तो सुना है आप बहुत लड़ाई करते हो, आपके जैसे बहुत लड़ाइयाँ भी होती है प्रशासन से, बहुत लड़ाई करते हो करके। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जब बात पहरों को सुनानी होती है ना तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है, और इस कैंपस को लगातार राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है, पहले कुलपति गायब हो गए, फिर लोग यहाँ धूप सेकते हुए दिखते हैं, बहुत सारी चीजें, अगर तुम उनसे बात करने जाओ तो बात तरीके से नहीं करेंगे, कुछ बात करेंगे तो उसमें बातों पे तुम्हें घुमा देंगे, कह देंगे इतना पैसा आ गया लेकिन वो पैसा जाता पता नहीं कहाँ है, तो इन बातों पे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने लड़ाई लड़ी है वो अपने लिए नहीं करा आज तक कुछ भी, उसका पर्सनल कोई फायदा मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी होते हैं छात्र नेता इस तरह के भी हैं कि वो काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए भी हैं कुछ एक छात्र नेता यहाँ, तो आपको हेट नहीं मिलता इन सब चीजों से, जैसे आप लड़ाई करते हो। मुझे नहीं,
मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ बस। तो आप तो बहुत पहले से मतलब काम वाम करवा रहे हो, तो फिर आपने आगे का क्या सोचा है कि अभी अगर मैं 8 साल से इस कैंपस में हूँ और मैंने क्या सोचा है और फिर आगे चल के भी ऐसी लड़ाई हुई तो फिर आपको बिल्कुल पक्का होगी अगर हम जीतेंगे तो हाँ ये लड़ाई कम जरूर होगी लेकिन काम बहुत ज्यादा होंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस कैंपस से छात्र नेताओं की जरूरत ही खत्म कर दी जाए, इस कैंपस के विद्यार्थी को इतना मतलब कैपेबल बनाया जाए कि वो अपने काम खुद से रखे और प्रशासन भी उनकी बात मतलब उनके कहने पर सुने, ना कि छात्र नेताओं के कहने पर, क्योंकि छात्र नेता मुझे लगता है कि स्टूडेंट ही है जो कि धीरे धीरे अपनी नेतागिरी बढ़ाते हैं और लास्ट में वो स्टूडेंट से काफी आगे निकल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट लीडर के बराबर आगे निकले, ये है बात। चलो ठीक है, मैं तो यही सोचती थी, मैं कहती यार आप क्या आपका नाम बस एक चीज में आता है, काम तो करवाते हो लेकिन फिर लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, तो मैंने कहा आप लड़ते बहुत हो ना तो इसलिए। लेकिन हाँ अब लड़ने का भी मतलब लोग गलत तरीके से ना समझ लें, बस ये है कई बार लोग लड़ाई को गुंडागर्दी मारपीट ऐसा भी समझ लेते हैं, तो आप प्लीज इनसे कहिएगा जरूर, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, उनको बताइएगा कि जो लड़ाई की आप बात कर रहे हो मारपीट लड़ाई झगड़ा ऐसी लड़ाई नहीं है, वो बहस वाली लड़ाई होती है और हमारी बहस हमेशा तार्किक होती है, पूरे छात्र हितों के लिए होती है, पूरे मुद्दों पर होती है। और आज तक खैर मुझसे कहा ही है लोगों ने ऐसा, बस किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप गलत करते हो, कहा है लोगों ने कि आप लड़ते हो लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि आप गलत करते हो, हम जो लड़ते हैं उसका फायदा स्टूडेंट्स को होता है और होना चाहिए, बस ये है बात। थैंक यू, मेरे को इतना ही पूछना था बस, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने पूछ लिए, अब वो पूरे हो गए। और जो ये लड़ाई वाली बात थी जरूर उनको अच्छे से समझाना मतलब कि लड़ाई झगड़ा मतलब अब उस लोगों के साथ कंपेयर करना मैं ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन युवा हो तो लड़ना जरूरी है, अगर युवा हो तो जिद करना जरूरी है, क्योंकि हम युवा हैं, एक चिंगारी अंदर होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की किसी और के लिए, हम सेवा भाव को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के हो, आप हमारे पास मदद मांगने जब कोई आता तो हम ये नहीं पूछते कि आप भी किसी हो NSU से किसी पार्टी से हो, हम बस काम करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट है और हम स्टूडेंट लीडर हैं, तो हम स्टूडेंट्स के लिए ही उस कॉलेज में लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ेंगे 100% सही बात है कि हम लड़ते हैं, लेकिन हाँ वो लड़ाई को अलग तरीके से ना लिया जाए, वह लड़ाई बातचीत वाली लड़ाई होती है। हाँ बस वही चीज़ मेरे को एक दो चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी, बस हो गई अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने हमें अपने ब्लॉग में शामिल किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इतने सारे लोग आपने इतना टाइम दिया, नहीं इतने सारे लोग हमें देखेंगे, मतलब जितने भी लोग हैं फिर सभी मेहनत कर रहे हैं, और ये तो मैं मतलब काफ़ी टाइम से जब मैं स्टार्टिंग से मैंने कॉलेज ज्वाइन करा है तब से मतलब मैं इनका काम देख रही हूँ, स्टार्टिंग मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और अब मेरा पूरा हो गया है तो तब से मैंने काम देखा। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू सो मच, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपका, मैं चैनल देखता हूँ, आप इतना लोगों तक पहुंच रहे हो, मिलियंस में आपके व्यू हैं, आपके गाने इतने ज़्यादा फेमस चल रहे हैं, मुझे याद है कि हेमुली वाला गाना शायद आया है, हेमुली नाम है ना, हाँ वो गाना सुबह शाम मेरा दोस्त है मेरे कमरे में तन्मय वो चलाता है उस गाने को, कल रात की बात मैं आपको बताता हूँ, कल 1 बजे हम कमरे में पहुँचे हैं और 1 बजे जब हम बैठे थे तो उसने वो गाना चलाया था, और कल उस टाइम में मैंने जब आपको याद किया मैंने कहा कि आपसे मैं जरूर ये बात कहूँगा, आपने खुद ये बात कर दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा कि इतने सारे लोग हमें आपके माध्यम से देखेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लोगों का जुड़ना बड़ी बात है, बस बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच, वेलकम। हम लोग आ गए हैं कॉलेज से और आवारा गर्दी करके ये इन्होंने ही करी आवारा गर्दी, मैंने तो पढ़ाई करके बिना कॉपी और बिना पेन के सिर्फ हिमांशी पढ़ सकती है। अरे वो बैग कॉलेज में भूल के आ गई शायद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर को और अभी ना ये लोग मेरी फोटो खींचेंगे ना, खींचेगी ना, कद्दू खींचेंगी, तेरी फोटो बड़ी आई तू ही। और आज है मैं हेमा से, मैं तो शादी के बाद कैसे कर शादी के बाद आज मिल रही हूँ हेमा से, और हिमांशी से मैं मिली हुई थी परसों लेकिन इससे मैं आज मिली। तो आपको कैसा लगा, किसका कॉल आ रहा है रे, इन्होंने मेरी एक भी फोटो अच्छी नहीं खींची, गंदी फोटो खींची है मेरी, अच्छी आ रही है, मैं भी मेरे मुंह की बात छीली, इसमें अच्छी आ रही है ना यार, ऐसी ऐसी फोटो नहीं खींची तुमने, कुछ पूछ के हम दोनों के जवाब एक ही होते, मेरे मुंह से कहते कहते इसने कह दिया ये बात। आओ गाइस आज हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि आज हेमा का फास्ट है, तो मैं वैसे भी क्या खाते रहते हैं वही तो, और एक भी कोई कम नहीं किया, फास्ट फूड खाई से भूल हम जाती नहीं खाने, वो जा रही तो है काम से, कभी कुछ कल हम किस काम, मैं हूँ ही कहाँ, कल मैं सामान भिजवाने के लिए गई थी। ओ वाओ नाइस गाइस, मेरा हाथ भी थक गया पता है, उतना लंबा और उनका व्लॉग बनाया ना तो इधर वाला हाथ वाला ऐसा। गाइस गाइस अभी हेमा रो रही है, गाइस अभी हम झाड़ियों के बगल से गुजर,
गाइस आगे से तू आ रहे गाइस ऐसे व्लॉग ना तो मजा आएगा ऐसे व्लॉग बनाते हैं गाइस हमारी व्लॉगिंग देख एक व्लॉग तो तू ऐसे बना दे गाइस डन एक तारीख को घूमने अच्छा हेमा यहां नहीं हम सोच रहे एक को घूमने जाएंगे हेमा गांव जा रही है मैं तो जा ही रही हूं पांडुकोली वैसे भी और हम भी जाएंगे हेमा वहां से व्लॉग बना के लाएगी हेमा व्लॉग बनाएगी फिर मैं उसको अपने अपने चैनल पे अपलोड करूंगा हां ऐसे हेलो गाइस देखो आज मैं पांडुकोली गाइस हेमा पांडुकोली जा रही गाइस बाय बाय अब मैं जा रही हूं घर को तो अभी मैं आ गई हूँ घर और घर आकर कितना अच्छा लगता है ना उतना अच्छा कहीं नहीं लगता घर का मम्मी बैठी हुई थी छत में और मम्मी को नीचे छत से उठा के ले आई देखो मम्मी का ताम झाम बुनाई बनाई सारा कर रही है मम्मी फैला रखा है मम्मी साड़ी देख रही है अभी मम्मी को आज कहीं से शादी की पिठिया की साड़ी लगी हुई थी मम्मी वो देख रही है तो अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड बाकी लड्डू है आपको लड्डू खाना है तो खा सकते हो बस ये कहने के लिए होती है बातें आने को आपका आपको निमंत्रण है आप आ सकते हो खा सकते हो आता कोई नहीं है खाता कोई नहीं है व्लॉग सब बाद में ही देखते हैं एंड होप आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।